गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग ऑफ एक्शन बटन। एक्शन बटन का कैसे हम लोग पावर पॉइंट में यूज करते हैं, किसमें? यूजिंग ऑफ एक्शन बटन इन PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कैसे हम लोग एक्शन बटन का यूज करते हैं। तो एक्शन बटन का काम क्या है? तो पावर पॉइंट में एक फीचर ऐड किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में पावर पॉइंट में एक फीचर ऐड किया गया था कि आप किसी भी स्लाइड्स को, किसी भी फाइल या फोल्डर या किसी भी प्रेजेंटेशन को आप दूसरे प्रेजेंटेशन या दूसरे स्लाइड के प्रेजेंटेशन के स्लाइड से लिंक कर सकते हैं। जैसे HTML क्रिएट करके हम लोग एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं ना, तो हम लोग एक्शन बटन का यूज करके एक PPT के दूसरे PPT के स्लाइड से लिंक कर सकते हैं। यानी PPT ए में एक स्लाइड है मेरा, एक स्लाइड मेरा PPT 2 में है, तो हमको लिंक करना है PPT 1 का स्लाइड और PPT 2 का स्लाइड को लिंक करना है दूसरे से। तो हम लोग एक्शन बटन का यूज करके PPT 1 के स्लाइड को PPT 2 के स्लाइड से लिंक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं स्टेप बाय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस स्लाइड को या प्रेजेंटेशन को लिंक करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे ओपन करके पावर पॉइंट में। आफ्टर आपको कहाँ पर क्लिक करना है? आपको सेव में, कहाँ पर क्लिक करना है? सेव में, क्लिप आर्ट सेव में। जैसे सेव में क्लिक कीजिए, क्लिप आर्ट के सेव में क्लिक कीजिए, सेव के बाद आप क्लिप आर्ट में कीजिए। क्लिप आर्ट में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिप आर्ट में जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। उस ड्रॉप डाउन मेनू में आपको जिस एक्शन बटन को इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्या कीजिएगा, एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा बहुत बड़ा, उसमें डिफरेंट प्रकार आपका एक्शन बटन सेफ बना हुआ रहेगा। उसमें क्या हुआ, उसमें डिफरेंट तरह का एक्शन बटन सेफ आपका बना हुआ, जो आपको लगे ये वाला हमको इंसर्ट करना है, ये हमको चाहिए, जो आपका डिजायर हो, नीड हो, उसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस से। सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे? स्लाइड में जाएंगे, माउस कर्सर को वहाँ पर छोड़ेंगे तो वहाँ पर एरो प्लस का, माउस कर्सर आपका प्लस का सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लस सिंबल कन्वर्ट होगा उसको माउस को ड्रैग कीजिए, क्या कीजिए, राइट क्लिक करके उसको ड्रैग कीजिए, क्या कीजिए, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग कीजिए। जितना खींचेगा उतना बड़ा आपका वहाँ पे सिंबल क्रिएट होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ड पेंट में आप लोग इमोजी इंसर्ट करते, क्या करते, ड्रैग करते हैं, तो इमोजी क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है आपका। उसी तरह से एक्शन बटन सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्लाइड पर जाकर कर्सर सेलेक्ट करना है, छोड़ देना है। जैसे प्लस का सिंबल बनाया कर्सर, आपको राइट लेफ्ट क्लिक करके माउस पर ड्रैग कीजिए, जितना बड़ा आपको इंसर्ट करना है सिंबल आपका एक्शन बटन का, उतना बड़ा सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्शन बटन इंसर्ट कर लिए, अब उसको लिंक कैसे करेंगे? क्या करेंगे, जब एक्शन बटन मेरा इंसर्ट हो गया तो ऊपर में, जैसे एक्शन बटन इंसर्ट कीजिएगा तो ऊपर में एक हाइपर लिंक नजर आएगा। क्या आएगा? हाइपर लिंक का एक न्यू ऑटोमेटिक ऊपर शो करने लगेगा। ठीक है, क्लिप आर्ट वाले पे उस पर क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे, वहां से सिलेक्ट क्या करेंगे हम लोग, हाइपर लिंक। जैसे ही हम लोग वहां पे ऊपर में एक एक्शन बटन एक्शन फॉर्मेट इंसर्ट हो जाएगा, उस पर क्या होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वहां से एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। क्या खुलेगा? ड्रॉप डाउन मेनू। आपको वहां से हाइपर लिंक चूज करना, क्योंकि हमको लिंक करना है। हाइपर लिंक की मदद से हम लोग दो स्लाइड को लिंक कर सकते हैं। उसको क्या, किसको सेलेक्ट करना है हमको? हाइपर लिंक पे। किस पे? हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा और वहां पर पूछेगा कि आप जो लिंक करना चाह रहे हैं उसको कैसे, कौन सा स्लाइड को किससे लिंक करना चाह रहे हैं। तो हमको क्या करना है, या तो पूछेगा, या तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपके जो हाइपर लिंक कर रहे हैं जिस फाइल या फोल्डर या जिस स्लाइड को हाइपर लिंक करना है, एक दूसरे से लिंक करना है, सॉरी हाइपर लिंक एक दूसरे से लिंक करना है, या तो वो आपके हाइपर लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है या अदर फाइल से आपको लिंक करना है। अगर अदर फाइल से तो हम लोग चूज क्या करेंगे, अदर फाइल, किसे क्लिक करेंगे, अदर फाइल। उसके बाद ये ऑप्शन होगा कि आप जब लिंक कीजिएगा तो लिंकिंग के बीच में कोई साउंड क्रिएट होगा कि नहीं होगा। अगर साउंड इंसर्ट करना है तो आपको साउंड वाले ऑप्शन पे साउंड इंसर्ट कर, साउंड सेलेक्ट कर लेना, क्या कर लेना है, साउंड। अगर नहीं करना तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद वो ऑप्शन देगा, अगर साउंड आपने इंसर्ट किया कि लिंकिंग के थ्रू भी हमारा साउंड उसमें अलग साउंड बजे, अलग तरह का म्यूजिक बजे प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, साउंड इंसर्ट करना होगा। और साउंड दो, ये डॉक्टर, ये मेरा स्लाइड वन है, ये स्लाइड टू है, इसको हमको लिंक करना है। तो ये लिंकिंग होगी स्लाइड वन से स्लाइड टू के लिए, तो उसके बीच में जो टाइम लगेगा लिंकिंग का, उसके बीच में साउंड बजे, क्या बजे, साउंड, इससे ऑडियंस जो मेरा PPT देख रहा है वो बोर्ड ना हो। तो हम लोग साउंड इंसर्ट करेंगे, तो साउंड वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे,
वहाँ से इसका जो ऑप्शन देगा कि आपको कौन सा साउंड इंसर्ट करना, पहले से जो बनाया हुआ है वो इंसर्ट करना है साउंड क्लिप या लाइव साउंड क्लिप। तो मैंने इससे पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कैसे इंसर्ट करना साउंड क्लिप, वो भी उसी तरह से वहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको ब्राउज करके इंसर्ट कर लेना। लाइव करना है तो आप रिकॉर्ड कर लें माइक्रोफोन से और इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके कीजिएगा, जैसे ही आप नीचे ओके कीजिएगा, आप अपने बुक में देखिएगा बना हुआ है फिगर में, ठीक है, ओके कीजिएगा तो आपका क्या होगा, लिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। वो लिंक होकर आपका स्लाइड प्रीव्यू में आपको जाकर दिखेगा। स्लाइड शो करने से पहले आप प्रीव्यू में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने जो किया है लिंकिंग वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, साउंड इंसर्ट सही से हुआ है लिंकिंग प्रोसेस में कि नहीं हुआ, वो हम लोग चेक कर सकते हैं प्रीव्यू में। प्रीव्यू करने नहीं आता है तो आपको ऊपर में ही होम टैब के बाद में व्यू टैब पर क्लिक करना है। इससे व्यू टैब पर क्लिक करना है, वहाँ पर जाकर आप प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट की होता है F5 की का यूज करके आप लोग स्लाइड आप अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम बिगेनिंग, ठीक है। सो आगे क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास वीडियो में हम लोग इम्पोर्टिंग ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। सो मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।